गुरुवार को विजय चौक स्थित एक निजी होटल में महिला कल्याण विभाग मंडल द्वारा जागरूक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए समर्पित है। इसके तहत महिलाओं ने बच्चों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महिलाओं बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध में कमी लाना, अपराध होने पर सूचित करना, गंभीरता एवं समयबद्ध से कार्रवाई की जवाबदेही तय करना है। इस अवसर पर जिला प्रमोशन अधिकारी सर्वजीत सिंह, जिला प्रमोशन अधिकारी देवरिया अनिल कुमार सोनकर, जिला प्रमोशन अधिकारी महाराजगंज ध्रुव चंद्र त्रिपाठी, जिला प्रमोशन अधिकारी कुशीनगर विनय कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी बी एन सिंह, मनोज श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक दिलीप कुमार ने कहा, विशेष आवेदन जितने भी हैं उसमें कार्रवाइयां चल रही हैं। आप सभी का पुनः आप बहुत कुछ करता है या सरकार बहुत सारी चीजें करती है, लेकिन वो शायद मीडिया में या हमारे जो विभिन्न आयाम है वहाँ पे कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो ये एक रास्ता रहेगा हम लोग को, एक तो मार्गदर्शन आपसे भी मिलेगा कि हम लोग क्या सुधार कर सकते हैं, क्या नवाचार कर सकते हैं और साथ साथ में क्या हमने किया है वो शायद आप तक पहुँचे और उससे समाज के उन वर्ग तक ये जानकारी जाए जो लोग शायद अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। तो सबसे हम शुरू करते हैं, आप मिशन शक्ति शायद अब कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जिसको सारी इसकी जानकारी ना हो कि मिशन शक्ति क्या है। और मैं इस मिशन शक्ति के सापेक्ष में आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब इसकी शुरुआत की थी 2020 में, तो हम एक कैंपेन के तौर पर ये चीज़ें लगी थी कि बहुत सारे कैंप होते हैं और ये भी एक कैंप है। आप इसमें जो लोगो देख रहे हैं वो लोगो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसको चिन्हित किया गया और तय किया गया कि यही लोगों क्यों होगा। और उसके नीचे जो तीन शब्द है, सुरक्षा है, सम्मान है, स्वावलंबन है, उसके शब्द क्यों और कैसे होंगे, तो ये दर्शाता है कि जो हमारे उच्चाधिकारी हैं या हमारे जो मार्गदर्शक हैं, चाहे वो मंत्रालय में हो, चाहे वो हमारे विभाग में हो, चाहे वो वर्तमान में हमारा मंडल में हो, सारे अधिकारी एक लड़ी में काम कर रहे हैं। और उनका ये मानना है कि अगर किसी महिला को हमको अगर आगे करना है तो अगर उसकी सुरक्षा के कोई मुद्दे हैं तो उसका समाधान करना होगा। और समाधान जरूरी नहीं कि वो पुरुष ही करेगा, ये कड़ी हटाने की बात है, ये मिथ है, इसको हटाना है कि एक महिला की सुरक्षा पुरुष करता है, ये तोड़ना है। और ये जो जितनी भी कार्यशालाएँ हो रही हैं या जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, ये दुर्भाग्य कह सकते हैं कि हमारे जिससे दो ही महिलाएँ मुझे दिख रही हैं, बाकी हम सभी पुरुष हैं, ठीक है, लेकिन ये कड़ी हमें तोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये तभी होगा क्योंकि वो एक बराबर है, वो कोई अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें कोई अवसर देना है, क्योंकि वो उनका हक है, हम कोई नहीं होते उनको अवसर देने वाले। डेटा चेक करेंगे तो उसमें 87% ऐसे लोग हैं जिनके बच्चा भरोसा करता है। और कौन है वो? उसका पिता है, उसका भाई है, उसका मामा है, उसका चाचा है, उसका फूफा है। पूर्व मंडल में मिशन शक्ति 4 के तहत मीडिया जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें हमारे सभी मीडिया बंधु और हमारे जनपद के, हमारे मंडल के सभी जनपदों के जिला प्रशासन अधिकारी और हमारे बाल संरक्षण के राज सलाहकार श्री प्रीतेश तिवारी जी और हमारे मंडल के यूनिसेफ के हमारे कंसल्टेंट नीरज मिश्रा, ये सभी लोग सम्मिलित हुए। इस कार्यशाला में का उद्देश्य ये था कि विभाग की योजनाओं और उनकी प्रगति से, उनके कार्यों से मीडिया बंधुओं को अवगत कराया जाए। हमारे विभाग से जो हमारे कार्य किए जा रहे हैं उसकी प्रचार प्रसार उतना अच्छा नहीं हो पा रहा, इतना अच्छा कार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं और बालिकाओं और बच्चों के जो उनके सुरक्षा, संरक्षण और स्वावलंबन के संबंध में जो भी मिशन शक्ति के तहत कार्य किए जा रहे हैं उनका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो और मीडिया से जो भी उनके संबंध में जो उनकी क्वेरीज हों, जो उनके सुझाव हों, वो हमें प्राप्त हो सके। इसका यही उद्देश्य था आज का। इसी उद्देश्य से आज यहाँ पर आज का सब लोग इकट्ठा हुए और ये कार्यशाला आयोजित की गई। हेल्पलाइन तो हमारे यहाँ ही है, महिलाओं के लिए 181 है, बच्चों के लिए 1098 है और महिलाओं के लिए 1090 है, और बाकी 112 जो हमारी पुलिस की है हेल्पलाइन वो तो है ही है। तो इसके तहत जब भी जिसे महिलाओं को 1090 पर कॉल करेंगे तो उनको तत्काल रिस्पांस किया जाएगा और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस तरह बच्चों
बॉनेट हमारी जो हेल्पलाइन वॉनेट सेंटर में चलती है, तो उसमें जो कॉल की जाती है वहाँ पर एक उसका अलग से सेल बना हुआ है, तो उसको जो ट्रैक किया जाता है उन शिकायतों को, उनको उन पर कार्रवाई की जाती है। अब इसके संबंध में जो है हमारे विभाग से जो है जो अभी जो एक बार पहले कराया जा चुका है, सभी वॉल पेंटिंग कराई जा चुकी है, इससे संबंध दोबारा जो है जो वॉल पेंटिंग कार्रवाई कराने के लिए जो कहा जाएगा, और हमारे जो डायरेक्टरेट से इस संबंध में जो है कोई निर्देश जारी होगा, तो तभी सभी दोबारा जो है वॉल पेंटिंग कार्रवाई हो सकती हो जाए।